यानी हरप्रीत सिंह ने तख्त श्री दमदमा साहब के जथेदार वजो दिता अस्तीफा। विरसा सिंह बलटोआ से लाए धमकियां देने दे इल्जाम। अकाली दल ते SGPC ने भी चके सवाल। यानी हरप्रीत सिंह नूं लैके विरसा सिंह बलटोआ के तेवर तलख। क्या अकाली दल नूं डराउण की कोशिश कर रहे हैं यानी हरप्रीत? मैं उन्हां या उन्हां दे परिवार नूं नहीं दित्ती कोई भी धमकी। अकाली दल ने विरसा सिंह बलटोआ का अस्तीफा किया मंजूर। 10 साल लई बलटोआ की पार्टी च एंट्री बैन। पार्टी ने श्री अकाल तख्त साहब नूं भेजा लिखती जवाब। नायब सिंह सैनी कल हरियाणा के मुख्यमंत्री वजों चकनगे सहुं। पंचकूला च होएगा सहुं चुक समागम। गवर्नर नूं मिलके सरकार बनाउण दा दावा किया। मोदी कैबिनेट वालों हाड़ी दीआं फसलां लई MSP च वाधा। कणक के भाअ च 150 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा। सरों के भाअ च 300 ते सूरजमुखी का भाअ 140 रुपये प्रति क्विंटल वधाया। लॉरेंस इंटरव्यू केस च SIT वालों मोहाली ट्रायल कोर्ट च कैंसलेशन रिपोर्ट दाखिल करन ते हाई कोर्ट नाराज। SIT नूं लाई फटकार। पुछया हाई कोर्ट नूं दसे बिना किवें दाखिल कीती कैंसलेशन रिपोर्ट। डीप फेक्स की समस्या ते DGP की साइबर क्राइम डिवीजन नाल मीटिंग। क्या डीप फेक्स वड्डी समस्या? चुनौती नाल निजिठण लई करवा रहे हां स्पैशल ट्रेनिंग। लोगों भी की सुचेत रहन दी अपील। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब ते हरियाणा के मुख्य सकत्तरां नूं कीता तलब। 23 अक्तूबर नूं पेश होने लई सद्या। पुछया पराली साड़न वालियां ते क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जलंधर च महारिषि वाल्मीकि दे प्रकाश दिहाड़े दे समागम च कीती शिरकत। लोगों नूं दित्ती वधाई। क्या पंजाब नाल भगवान वाल्मीकि जी का गहरा रिश्ता? श्री दमदमा साहब की जी जथेदारी है उस तो मैं अस्तीफा दे दिता। मैं भारत सरकार ने या पंजाब सरकार ने जी सिक्योरिटी दी है जो गड्डी दी है वो वापस ले ली जाए। उस वालों निजता ददा जो पार कर दी है। सुनेहे भिजवाए जा रहे हैं मेरे परिवार को नंगिया कर ले और मेरिया तीन तक फड़न क्योंकि जितने मैं जथेदार हाँ श्रोमणी अकाली दल का सोशल मीडिया बिल कर रहा मेरी जात तक परती जा रही जो मेरे से BJP के RSS के बल्ले वर्गे इल्जाम लाऊंगा जो नापाक कोशिश पूरी असफल रही तो हम घटिया दर्जे दरकत जो कर रहा और निजता दद्दा पार कर रहा। इन्ना थले विरसा सिंह गिरूगा कदे सोचा नहीं। मैं तख्त श्री दमदमा साहब की जी जथेदारी है उस तो मैं अस्तीफा दे दिता। सत श्री अकाल। News18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सत वाली खबरों च अज जिक्र अज की सब तो वड्डी डिवेलपमेंट का। ज्ञानी हरप्रीत सिंह तख्त श्री दमदमा साहब के मौजूदा जथेदार ते श्री अकाल तख्त साहब के साबका कार्यकारी जथेदार जिन्हां ने अज अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता और अस्तीफा भी उन्हां वल्लों रोंदे हुए दिता गया। एक बयान उन्होंने जारी किया एक वीडियो बयान जिस दे विच उन्होंने अपने अस्तीफे की वजह दसी। उन्होंने कहा कि मैं जथेदार वजों अस्तीफा दे रहा हाँ। विरसा सिंह बलटोआ का जिक्र किया कि विरसा सिंह बलटोआ मेरे ते मेरे परिवार के खिलाफ निजी हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बलटोआ की पुश्त पनाई अकाली दल का सोशल मीडिया कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी जात तक परखी गई है। मैनू धमकियां दित्तियां जा रही ने। मैनू गलत सुनेहे भिजवाए जा रहे हैं। SGPC की चुप्पी ते जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सवाल चके ने। उन्होंने कहा कि SGPC इस सारे वर्तारे नू देखते हुए भी चुप है। काफ़ी भावुक नज़र आए ज्ञानी हरप्रीत सिंह ये बयान देंदे हुए पर उन्होंने कहा कि मैं अपना अस्तीफा SGPC नू भेज दिता है। SGPC प्रधान ने इस पर कार्रवाई करनी है या इस पर अगे फैसला लेना है और इस सब के विचाले
ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ SGPC ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ SGPC ਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ SGPC ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ SGPC ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ SGPC ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਰਿਫਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਖੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਿਆ, ਕਬੂਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕੀ ਰਹੀ। ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਔਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ, ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ SGPC 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ SGPC ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ SGPC ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। SGPC ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ SGPC ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਮੈਂ SGPC ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨਾਂ SGPC ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ। ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਖ ਤੇਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ News 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਰਵੱਈਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ
जो लगातार सिंह साहिबान के खिलाफ किरदारकुशी कर रहा है, उस खिलाफ़ कल श्री अकाल तख्त साहब तो पंच सिंह साहिबान ने फैसला सुनाया। उस तो बाद भी वो लगातार हर घंटे किरदारकुशी कर रहा, खास तौर के उत्ते मैनू निशाना बना के, और हुण उस वल्लों निचता दीआं हद्दां जिहड़ीआं उह पार कर दित्तीआं गईआं ने, सुनेहे भजवाए जा रहे ने मेरे परिवार को नंगियां कर ले और मेरिया तियां तक फड़न ले, और यह गल्लां बर्दाश्त तो बाहर है। और सब तो वड्डी गल कि उहदी पुश्त बनाई श्रोमणी अकाली दल का सोशल मीडिया विंग कर रहा, और श्रोमणी अकाली दल के वो लीडर जिन्हां नूं टोनी टोनी कहा जाता, जिन्हां नूं पंथक परंपरावां मर्यादावां का उका ज्ञान नहीं है, वो दी पुश्त बनाई कर रहे हैं। विरसे बलटोई तो कोई असी डरन वाले नहीं, पर श्रोमणी अकाली दल के थर्ड क्लास के नेतावान का और सोशल मीडिया विंग वालों वो पुश्त बनाई करना ये मन में बहुत दुखी करता है। मेरी संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वो भी इस मामले खामोश है, और यहोजी पोजिशन के असी खास तौर पर मैं तख्त साहब की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि जिते मैं जथेदार हाँ उत्थे धियां का प्यो भी हाँ। इसलिए मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान को अपना अस्तीफा भेज रहा, और उन्होंने कह रहा कि मेरा अस्तीफा प्रवान किया जाए, मेरी जात तक परखी जा रही, मैं थ्रैट किया जा रहा, गलत धंधे सुनेहे भजवाए जा रहे, और ये निचता दियां हद्दां पार करनी है। इन्ना घटिया इन्ना थले विरसा सिंह गिरूगा कदे सोचिया नहीं सी। मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का दिल दियां गहराइयां चों धन्नवाद करदा, जिन्होंने मैनू पढ़ाया, मैनू मुक्तसर साहब हैड ग्रंथी बनाया, मैनू तख्त श्री दमदमा साहब के जथेदार की सेवा सौंपी, और श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार की इस सदाची जी सेवा सौंपी। सिख संप्रदावां जथेबंदियां धार्मिक सभा सोसाइटियां ने मेरे सिर ते पग रखी, और मैं उन्होंने ये मान दे नाल कहना कि तुहाडी रखी पग नूं मैं बेदाग अपने घर लैके जा रहा, इहनूं दाग नहीं लगन दित्ता। जदों मेरे ते बीजेपी ते आरएसएस दे दल्ले वर्गे इल्जाम लाउण दा जिहड़ा नापाक कोशिश उहदी असफल रही, ते हुण उह घटिया दर्जे दीआं हरकतां जिहड़ियां उह कर रिहा। बस मैं अपनी कौम को जानकारी देनी सी, और मैं अपनी कौम तो माफ़ी मांगना इस सेवा दौरान जे कि मेथों को गलती हुई होगी, मेथों को किसी प्रति माड़ा लफ्ज़ बोलिया हो, मैं क्षमा चाचक हाँ। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मेरी संस्था है, मैं अपनी संस्था का हमेशा वफादार रहूँगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। तो ज्ञानी हरप्रीत सिंह वालों अस्तीफा दे दिता गया, काफ़ी भावुक होंदे हुए उन्होंने ये अस्तीफा दिता, काफ़ी भावुक लफ्ज़ उन्हां वल्लों बोले गए। उन्हां कहा कि मेरे बारे जो कुछ कहा गया, मेरी जो किरदार खुशी की गई वो मेरे लिए असहन योग है, और इस सब दे चलते मैं अपने अहुदियां तो अपने अहुदे तो अस्तीफा दिंदा हाँ। साडे नाल श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू महेशिंदर सिंह गरेवाल जुड़े ने। गरेवाल साहब बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। अच्छा, किस तरीके नाल गरेवाल साहब तुसी देख रहे हो ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां ने जो कुछ कहा, तुसी सुन लिया होना है सारा कुछ, जिहड़ी गलबात उन्होंने की है, किवें किवें देखदे हो इस डिवेलपमेंट नूं? देखो, मैं समझदा कि इह जिहड़े कल दे हालात परसों दे हालात चले ने जी, इह हालात अवॉइड किते जा सकदे सीगे। ठीक है, क्योंकि गल तां सिंपल इन्नी सीगी कि सरदार विरसा सिंह बलटोहा ने कुछ क्वेश्चन करे रेज करे ते वड्डे थावां ते शोभत में सिंह साहिबान ये अनदेखी करके तो उन्हें बुला के ताड़ना कर सकते थे। जिस तरह का वाद विवाद शुरू हो गया वो वाद विवाद टाल देना चाहिए था, पर कुदरत नूं मंजूर नहीं थी। पर मैं समझता कि कल तो बाद केड़ियां घटनाक्रम हुई जिदे करके सिंह साहब नूं अस्तीफा देना पिया, ये मैं समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कल जिहड़ी
सिंह साहब की वीडियो वायरल हुई है तो जी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गल्ला कही है बड़िया अग्रेसिव तौर पर कही थी उन्होंने जी कि जे मैं कांग्रसियां दे जावां चन्नी दे जावां तो की गुनाह हैगा मैं उत्थे अरदास करती कोई गलती नहीं की थी। जे मैं राघव चड्डे दे गया मैं गलती नहीं की थी। मैं समझता कि यह वाद विवाद हुण भी काफी हद तक मुख जूगा। कल अपने सिंह साहब ज्ञानी रघबीर सिंह उन्होंने एक बयान आया होया कि साडे कोल जिहड़ी मीटिंग हुई थी जिहदे च विरसा सिंह बलटोहा बारे फैसला लिया गया वो सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है। ठीक है वो वीडियो रिकॉर्डिंग मेरा ख्याल जे पब्लिक कर देंगे ना जी ते ओदे नाल बहुत मसला हल हो जूगा कि कौन किथे खड़ा है लोगों के जहन च आ जूगी गल ते ओदू बाद मेरा ख्याल है फिर कोई शायद किसी से एक दूजे से कोई सवाल ना कर सके। हुण सारिआं दी गैस वर्क चल रहा है कोई कुछ अंदाजा लाउंदा कोई कुछ पर मैं एक महसूस जरूर गल करदा हैगा जी ते इह सिंह साहिबान ने अपनी विजडम विच उहनां नूं बलटोहा साहिब नूं धार्मिक तौर से तो माफ करता है जिहड़ा उन्होंने कल प्रेस नोट जारी किया उन्होंने माफी मंगी माफ करता है पर पोलिटिकली लादी जो मेरी छोटी समझ कहती है कि अकाल तख्त साहब या जेडे रिलीजियस पनिशमेंट्स है रिलीजियस इशू से ही दिखाई जा सकती हैं पर उन्होंने अपने विजडम से क्यों किया उन्होंने इन्ना क ख्याल से जरूर रखना चाहिए कि बलटोहा की भी बड़ी वड्डी सेवा है। चार तो छह साल उन्हें जवानी के अपने जोधपुर जेल चलाए है जो कोई सी भी तो जो भी कर सकते चलो हो गया। तुहाडे हिसाब नाल विरसा सिंह बलटोहा ने ठीक सवाल चके ने ज्ञानी हरप्रीत होरां ते? देखो विरसा सिंह बलटोहा ने दो तीन जिहड़ियां चार गल्लां चक्कियां सीगियां वह गल्लां विच इह फैक्ट उन्हां ने आप मनिया कि मैं चन्नी दे गया चन्नी नाल मेरी दोस्ती है कोई मेरा उन्होंने कहा सब कुछ तो पब्लिक है पब्लिक है जी पर उन्हें ये सवाल उठाए ना कि यह पतत होने करके अरदास कर नहीं सी सकते मसला तो कोई धार्मिक कमेटी बना देंगे तो वह फैसला दे देंगे कि अरदास कर सकते कि नहीं कर सकते थे हल हो जाना चाहिए सी। दूसरा उन्होंने कहा कि राघव चड्डे से जाके कुर्सियां बैठ के कीर्तन सुनिया वह भी कोई सिंह साहब की धार्मिक कमेटी बना देंगे और जो फैसला दे देंगे कि नहीं हो सकता सी तो यह अपनी गल का इस गल एडमिट कर लेंगे कि अगे तो अवॉइड करूंगा तो जो कह देंगे इन्होंने ठीक किया तो फिर बलटोहा साहब में चुप करना चाहिए सीगा क्योंकि तो आप जब कदे भी ना जी साडे मैं क्योंकि वकालत भी बहुत लंबा अरसा की है जब किसी से कोई दोष गलत लगे या सही लगे उन्होंने इमोशनल इनवॉल्वमेंट हो जाती है तो उन्होंने फैसले आप नहीं लेने चाहिए ये छड्ड देने चाहिए दूसरों के उन्होंने जी गल हुई है वो करके कल दिखता सीगा कि कल जे टेंपर से बड़े हाई थे जिस तरह अपना वो वीडियो आई है टीवी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी तो मैं समझता कि यह चीजा सारिया अवॉइडेबल जड़िया थोड़ी जी भी दूर अंदेशी की जाती पहला तो गर्म माहौल एकदम मीटिंग सद के करने का लोड़ नहीं दो चार दिन पांच टाले जा सकते हैं जे सुखबीर सिंह वाला डेढ़ महीने का पेंडिंग हो सकता तो यह भी एक दो चार दिन पिछे किया जा सकता थी एड्डी गल नहीं थी चलो पर यह सिंह साहब ने मेरा ख्याल है जो अच्छा उन्होंने दो तीन गल्ला होर कही ने गरेवाल साहब उन्होंने कहा कि अकाली दल का सोशल मीडिया विंग मेरी किरदार कुशी कर रहा है विरसा सिंह बलटोहा की बैक से खड़ा है और दूसरी गल उन्होंने कहा कि अकाली दल के थर्ड क्लास लीडर मेरे बारे बयान कर रहे हैं ये शब्द उन्होंने वरते है अपना जिहड़ा हुणे वह कुछ गल्ला भावुक होकर कह रहे थे उस दे विच। देखो थर्ड क्लास लीडर तो चलो उन्होंने जिन्होंने थर्ड क्लास कहा या फर्स्ट क्लास कहा तो वह दस सकते हैं कि फर्स्ट क्लास मंगते जिन्होंने सैकंड मंगते जिन्होंने थर्ड मंगते हैं पर जे कोई तत्थों तो उल्ले गल कर रहा है तो वह तत् नहीं गए फिर वो बिल्कुल माड़ी गल ना करनी चाहिए है ते पर जे कोई फैक्चुअली करैक्ट गल्ला ने वो गल्ला विच मैं कहना कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी हुण तुहाडे सामने ही कहा सीगा कि पॉजिटिव क्रिटिसिजम है जिहड़ा जजमेंट का भी हो सकता है उहदे विच कोई नहीं गा नाले अपने अगे होया जी जद अकाल तख्त साहब ने राम रहीम नूं माफ किया किन्ना अकाल तख्त साहब के विरुद्ध प्रचार होया जद बीबी जगीर कौर नूं ज्ञानी पूरन सिंह उन्होंने पनिशमेंट की गया बीबी जी ने उन्हू कहा कि यह औरंगजेब है औरंगजेब की रूह ये जागी तो उन्होंने बाहर ही उठ बैठे उन्हू अकाल तख्त के जत्थेदारी तो मुंतकिल करता ये ऐसे समय आए ने पिछे भी पर होने नहीं चाहिए आम तौर पर। बहुत सारे आगुआ ने गरेवाल साहब उन्हें अपील की है कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां दा अस्तीफा ना मंजूर किया जाए एस जी पी सी उसनू मंजूर ना करे
अकाली दल किवें देख रहा इस नूं, तुसीं किवें देखो जी? ए डोमेन है श्रोमणी कमेटी दा, जिहड़े बाहर बैठे अपीलां करदे आ ना, उह तां चटकारियां देखण वाले आ। मैं समझदा कि एस जी पी सी अपने आप विच कंपीटेंट डिसीजन लैण लई ते उह डिसीजन जो लऊगी उह हालात नूं मुख रखदे लऊगी। प्रॉब्लम विजयपाल जी आ गई है, जेडे लोगों महल्ले जी को पुछदा अकाल तख्त नूं सलाह दिंदे सीगे कि देखना सुखबीर नूं नरम सजा ना दे देना कि गोली मार देना। रोस हो गया कि जो विरसा सिंह बलटोहा ने किया है साडे ते जाती हमले किए है, नहीं करने चाहिए थी। पर मैं समझदा कि ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਚੀਜ਼ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਿਆ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਰਹਿਤਧਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨੀ ਉਹਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਹ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਡੀ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ।